क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजंट इट? ठीक है मैं आपको बताता हूँ, देखो चैप्टर बड़ा नहीं है, इसको कैसे छोटा करना है, तीन हिस्सों में तोड़ लो। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट कैसे ट्रैवल करा, छोटा सा पार्ट है चाइना, चाइना से जापान, जापान से यूरोप। फिर हम देखेंगे सेकंड पार्ट चैप्टर का, जिसमें हम देखते हैं कि यूरोप में प्रिंट कैसे इवॉल्व हुआ, तो वो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप होना, वो नई रीडिंग पब्लिक का इमर्ज हो जाना, वो रिलीजियस डिबेट और उसके अराउंड पूरा फियर डेवलप होना, रीडिंग मैनिया डेवलप होना, तो 16th-17th सेंचुरी में क्या हो रहा था। फिर अगर आप जैसे देखेंगे तो 18th-19th सेंचुरी में जो न्यू रीडिंग ग्रुप्स इमर्ज हुए, फर्दर इनोवेशन, और यही यूरोप के प्रिंट की कहानी है, सिंपल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे आप इंडिया में देखोगे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के कल्चर से लगा के कि इंडिया में प्रिंट कैसे आया, इंडिया में प्रिंट आने के बाद में रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स स्टार्ट होती है, उसके बाद में स्पेसिफिक सेक्शंस की अगर बात करें, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन की बात करें, तो विमेन, वर्कर और सेंसरशिप, दैट्स इट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो चाइना, जापान, कोरिया में डेवलप हुई। टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल थी, हैंड प्रिंटिंग टेक्निक, इंक सरफेस के अगेंस्ट में क्या किया जाता था, पेपर को रब कर दिया जाता था, और यही प्रिंटिंग टेक्निक थी। अब इस प्रिंटिंग टेक्निक के चलते चलते क्या है कि प्रिंटेड मटेरियल की नीड चाइना में बढ़ी। कारण पहला था कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा था, एग्जाम होती थी उसके लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और एग्जाम देंगे लोग तो पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए किताबें चाहिए रहेंगी। दूसरा, अर्बन कल्चर जो डेवलप हो रहा था वहां पे, तो अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत कोटेशंस वगैरह ही प्रिंट का इस्तेमाल करते थे, आम ट्रेडर भी अपने ट्रेड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करता था। तीसरा, जो रिच वुमेन वगैरह होती थी वो पढ़ती थी, वो खुद लिखती थी, और इस तरह से प्रिंट डाइवर्सिफाई हो रहा था। अब कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज इस हैंड प्रिंटिंग टेक्निक को चाइना से जापान ले जाते हैं, और जापान में जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंट होती है उसका नाम है डायमंड सूत्रा। जापान में प्रिंट का यूज डाइवर्सिफाई होता है, विजुअल मटेरियल्स को, आम दिखने वाली चीजों को भी प्रिंट किया जाने लगा, और इस आर्ट फॉर्म को उक्यो कहा जाता था, जो कितागावा उतामारो ने डेवलप किया। अब सवाल ये आता है कि प्रिंट जो है वो जापान से यूरोप कैसे पहुंचा, तो देखो सिल्क रूट के रास्ते पेपर पहले ही पहुंच चुका था। 1295 में एक इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक चाइना से कहां ले जाते हैं, यूरोप। यूरोप में वो फिर पूरे यूरोप में जैसी टेक्निक फेल जाती है, उसके बावजूद भी आपको देखने को मिलता है कि लग्जरी एडिशंस अभी भी हाथ से लिखे जाते थे एक्सपेंसिव वेलम के ऊपर, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के द्वारा। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो बुक की डिमांड बढ़ रही थी, तो बहुत सारे बुक सेलर्स अपने पास बहुत सारे स्क्राइब्स को, 50-50 स्क्राइब्स को बिठा के लिखवाते थे, लेकिन फिर भी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, और इसी कारण से प्रिंटेड बुक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। फिर भी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और यहां इन्वेंशन होता है प्रिंटिंग टेक्निक का, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन का, जो कि जोहान गुटेनबर्ग ने डेवलप करी। जोहान गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपने सिस्टम को इन्वेंट करके परफेक्ट कर लिया था। पहली जो बुक छपती है वो बाइबल होती है, और 180 बुक छापी जाती है 3 साल में, और समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत फास्ट था। ये बुक जो थी वो उसमें बहुत सिमिलैरिटी थी फिर भी हैंड रिटन बुक से, क्यों, क्योंकि स्कोप रखा था हाथ से काम करने का। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे लाइफ के बहुत सारे डोमेन्स इन्फ्लुएंस हुए थे। सिंपल सी चीज है कि पहले प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, अब कॉस्ट कम हुई तो इस कारण से प्रिंटेड मटेरियल फ्लडेड द मार्केट। पहले सिर्फ कुछ ही एलाइट लोग बुक्स खरीद के पढ़ पाते थे, बाकी लोग ओरली सुनते ही थे सिर्फ, लेकिन अब क्या है, अब हर व्यक्ति बुक खरीद सकता था, पर समस्या अभी भी ये थी कि लोगों को पढ़ते नहीं आता था। इस केस में क्या किया जाता है, तो बुक पब्लिशर्स ऐसी किताबें छापते थे जैसे फोक टेल्स, फोक स्टोरीज, जिन्हें पब्लिक गैदरिंग में पढ़ के सुनाया जा सके। तो ओरल कल्चर रीडिंग पब्लिक के साथ मिक्स हो रहा था, और प्रिंट वॉज ट्रांसमिटेड ओरली। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है, और अगला टॉपिक आता है रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। डिबेट किस चीज की, देखो प्रिंट की मदद से एक आम आदमी अपना खुद का रिलीजियस इंटरप्रिटेशन दे सकता था, और इस चीज को सभी ने वेलकम नहीं किया, क्योंकि मोनार्क्स थे, रिलीजियस अथॉरिटीज थी, उनको ऐसा लगता था कि कोई भी कुछ भी लिखेगा वो हमें क्रिटिसाइज भी कर सकता है, और इस कारण से क्या होगा कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर है, जो हमारी पोजीशन है, उसकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। और इसी का एक एग्जांपल आपको देखने को भी मिलता है कि 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर जो है, तो वो रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते हैं, और उन्हें क्वेश्चन करते हैं कि डिबेट करो मेरे साथ, और वो बहुत पॉपुलर भी होते हैं। और दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बाय द न्यू टेस्टामेंट्स इन बाइबल। सिमिलरली आप देखेंगे तो प्रिंट से लोग डिसेंट भी क्रिएट कर सकते थे, यानी कि अगर वो नाखुश है, नाराज है किसी चीज से, तो वो अपनी नाराजगी दर्शा सकते थे। एक आम व्यक्ति भी अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मिनेक्यो जो कि एक मिलर था, उसने अपने इंटरप्रिटेशन दिए,
और अपना अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया गॉड को लेके, क्रिएशन को लेके, जिससे रोमन कैथोलिक चर्च के लोग जो है वो एनरेज भी हो जाते हैं। तो इस कारण से वो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी चाहते थे प्रिंट के ऊपर। 17th और 18th सेंचुरी में जब लिटरेसी रेट बढ़ रहा था तो उस समय पे आपको देखने को मिलता है कि वर्चुअल रीडिंग मैनिया क्रिएट होता है, जहां पे तरह तरह का लिटरेरी मटेरियल आना स्टार्ट हो गया था। अब क्योंकि रीडिंग एंटरटेनमेंट के पर्पज से की जाती थी तो पेडलर्स को अपॉइंट किया जाता था बुक सेलर्स के द्वारा, जो एल्मेनैक्स को, स्टोरी बुक्स को, मैगजीन्स को सस्ते में पहुंचाते थे। ब्रिटेन में आपको चैप बुक्स देखने को मिलती थी जो चैपमैन्स पेनी मैगजीन्स के फॉर्म में दे दिया करते थे। फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू करके बुक चलती थी जो कि ब्लू कलर में रैप्ड होती थी, सस्ती किताबें होती थी। उसी तरह से रोमांसेस, पोएट्री और अलग अलग प्रकार का लिटरेरी मटेरियल अलग अलग ऑडियंस को सर्व करने के लिए प्रिंट किया जाता था। मैगजीन्स वगैरह जो चलती थी, न्यूज़पेपर्स चलते थे, जनरल्स चलते थे, जिसमें करंट अफेयर, ट्रेड, वॉर, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी। इनफैक्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज और फिलोसोफर्स के आइडियाज को भी कंपाइल करके प्रिंट किया जाने लगा। मिड 18th सेंचुरी आते आते लोग इस चीज में विश्वास करने लगे थे कि प्रिंट की मदद से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रेस को, एनलाइटनमेंट को स्प्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट लुईस सेबेस्टियन मर्सिया जो कि एक नॉवलिस्ट थे, वो ये तक कहते हैं कि प्रिंट के अंदर वो पावर है जिससे डेस्पोटिज्म को हटाया जा सकता है। वो अपने नॉवल्स में हीरो को हीरो पढ़ के बताते थे कि वो पढ़ता है और उसके अंदर पावर आती है, एनलाइटनमेंट आती है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगला टॉपिक आता है कि प्रिंट की मदद से क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो देखो, तीन आर्ग्यूमेंट्स है। पहला आर्ग्यूमेंट कि प्रिंट जो है उसने पॉपुलराइज किया एनलाइटेंड थिंकर्स के आइडियाज को। अब लोगों से कहा गया कि आप सोचो, रीजन पे, रेशनैलिटी पे फोकस करो। इन एनलाइटेंड थिंकर्स के विचार लोगों तक पहुंच रहे थे। दूसरा, प्रिंट ने डिबेट, डिस्कशन का माहौल क्रिएट किया। जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे उनको क्वेश्चन कर सकते थे, री इवेल्युएट करने की बात की जाने लगी। तीसरा, देयर वाज द आउटपोरिंग ऑफ लिटररी मटेरियल दैट मॉक्ड रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी। मतलब ऐसे कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनाए जाते थे जो क्वेश्चन करते थे कि राजा के कितने मजे हैं और आम जनता कितना सफर कर रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट से फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि राजा भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ ऐसी चीजें लिखवाता होगा जो उसके फेवर में हो, लेकिन लोगों का सोचने का तरीका जरूर प्रिंट ने बदला था। कहानी आगे बढ़ती है और 19th सेंचुरी आते आते न्यू कैटेगरीज इमर्ज हो रही थी, जैसे चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर। अब क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गया था तो चिल्ड्रन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गई थी फॉर दी प्रिंट। आपको देखने को मिलता है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश होती है फ्रांस में 1857 में। उसके अलावा भी बच्चों के लिए जो कहानियां, पोम्स होती है, उसको जगह जगह जाके कलेक्ट किया गया। जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स ने बहुत सारी टेल्स को कंपाइल किया। ये सेंसर किया जाता था कि बच्चों के लिए क्या प्रिंट किया जा रहा है। सेकंड कैटेगरी अगर आप विमेन की देखोगे तो विमेन एक इंपॉर्टेंट रीडर और राइटर बनी। पेनी मैगजीन चलाई जाती थी जो उनको मैनर्स, एटिकेट सिखाती थी। बापा बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं, बापा बोला नहीं, किसी के बापा नहीं। विमेन राइटर बनी, जैसे बॉर्नेट सिस्टर, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन, इन्होंने लिखा कि एक महिला कैसे होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। साथ में आप देखेंगे कि वर्कर्स के लिए भी लर्निंग लाइब्रेरीज वगैरह एस्टैब्लिश की जा रही थी, जिसमें वर्कर्स अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स रिड्यूस होने के बाद में वर्कर्स के बीच में पढ़ने का और सीखने का प्रचलन बहुत बढ़ गया। आगे चल के प्रिंट में और प्रिंटिंग टेक्निक में बहुत सारे इनोवेशंस आए। जैसे रिचर्ड एम होव ने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी जिससे कलरफुल शीट्स प्रिंट की जा सकती थी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आ गई और बहुत सारे मैकेनिकल चेंजेस जैसे मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव कर दिया गया। उसी के साथ साथ में बुक सेलर्स हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते थे, जैसे नॉवल्स को सीरियलाइज कर दिया गया, चीप सीलिंग सीरीज इंट्रोड्यूस कर दी गई। आपको देखने को मिलता है कि डस्ट कवर इंट्रोड्यूस किया गया बुक्स के ऊपर, बुक जैकेट के फॉर्म में, और इनफैक्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे सेल्स डाउन ना हो जाए इसके लिए पेपरबैक एडिशन तक निकाला गया। ये यूरोप की कहानी थी। वेलकम टू इंडिया। इंडिया में भी आप देखेंगे तो प्रिंटिंग के नाम पे पहले बहुत रिच हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का कल्चर था। अलग अलग लैंग्वेज में हाथ से किताबें लिखी जाती थी। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स पे और हैंडमेड पेपर पे लिखा जाता था। इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, एक्सपेंसिव बहुत होती थी, फ्रजाइल होती थी, कमजोर होती थी, आप कहीं भी कैसे भी आसानी से ले जा नहीं सकते थे, ऑकवर्ड टू हैंडल होती थी, और क्या लिखा है वो इजीली आप हर बार पढ़ नहीं सकते थे, हर बार राइटिंग बदलती चली जाती थी। अब बात आती तो फिर इंडिया में प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट हुई। पोर्टुगीज मिशनरीज ने मिड 16th सेंचुरी में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग स्टार्ट करी और पहले उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज सीखी और रीजनल ट्रैक्स में प्रिंट करना शुरू किया। इंग्लिश में प्रिंटिंग तो बहुत लेट स्टार्ट हुई, 1780s के टाइम पीरियड में जेम्स ऑगस्टस सिकी जो कि एक इंग्लिश मैन थे, उन्होंने एक बंगाल गैजेट करके वीकली मैगजीन चलाई जो ट्रेड और वॉर वाली इंफॉर्मेशन लिखते थे, साथ ही साथ वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गॉसिप्स भी लिखते थे, और इसी कारण से वॉरेन हेस्टिंग्स ने पकड़ के उन्हें पनिश भी किया। सुल्तान, क्या कर रहा है, अबे क्या लगता है,
गंगाधर भट्टाचार्य वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट इंग्लिश प्रिंटिंग अंडर द न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। कहानी आगे बढ़ती, मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो इंडिया में भी प्रिंट वॉज एसोसिएटेड विद रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। हाउ? तो देखो, बहुत सारी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया गया, उसको काउंटर किया गया, और इसी कारण से एक डिबेट का माहौल बना, और प्रिंट की मदद से अब एक आम जनता भी इस पूरी डिबेट में एंटर कर सकती थी। बहुत सारे इश्यूज जैसे विडो इमोलेशन, आइडियोलेट्री, ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड, इसको क्वेश्चन करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स सच एस राजा राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर का सहारा लिया। उन्होंने संबंध कुमोदी करके अपना एक न्यूज़पेपर चलाया, और उसी को काउंटर करने के लिए समाचार चंद्रिका नाम का एक न्यूज़पेपर कमीशन किया गया। सिमिलरली आपको देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स के मन में एक डर था, क्या क्या मुस्लिम डायनेस्टीज खत्म हो चुकी है, क्रिश्चियंस जो है रिलीजन कन्वर्जन करवा देंगे, तो अपने धर्म को बचाए रखने के लिए जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो प्रिंट होने लगे, साथ ही साथ फतवा इशू होते थे, तो ये सब प्रिंट की मदद से किया जा रहा था। हिंदूज में भी आपको देखने को मिलता है कि रिलीजियस लिटरेचर का कहीं ना कहीं आउटपोरिंग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा दी गई थी, तो उसका पहला प्रिंटेड एडिशन कलकत्ता में 1810 में निकल के आता है। तो दिस इज हाउ प्रिंट वॉज यूज इन रिलीजन। अब यूरोप की तरह इंडिया में भी न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन इमर्ज हो रहे थे, जैसे नॉवल्स। अब लोग अपने आम जीवन को पढ़ सकते थे, देख सकते थे, लिख सकते थे। सिमिलरली न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी मटेरियल में एसे, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज प्रिंट होने लगी। प्रिंटिंग का कल्चर इतना बूम हो गया कि पेंटिंग्स को भी प्रिंट किया जाने लगा था। पुअर वुड एनग्रेवर्स जो थे, तो वो फेमस पेंटिंग्स जैसे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की कॉपी प्रिंट करने लगे। गरीब व्यक्ति भी अपना घर सजा सकता था। सिमिलरली कार्टून्स और कैरिकेचर्स जो कि सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट्री करते थे, वो भी प्रिंट होके मार्केट में आपको देखने को मिल गए थे। कहानी आगे बढ़ती है और अगला टॉपिक हमें विमेन और प्रिंट के बीच में रिलेशन बताता है। बहुत सारे लिबरल हस्बैंड्स ने महिलाओं को घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब जब पढ़ा रहे थे तो प्रिंटेड मटेरियल उनके लिए मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन हर एक व्यक्ति लिबरल नहीं था। कुछ हिंदू लोगों को लगता था कि महिलाएं पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी, कुछ मुस्लिम्स को लगता था कि महिलाएं पढ़ेंगी तो वो मॉरली करप्ट हो जाएंगी, और महिलाओं ने इन सभी प्रकार के प्रोहिबिशंस को डिनाई करते हुए पढ़ा लिखा और सीखी। कुछ एग्जांपल्स, राजसुंदरी देवी ने 1876 में, सेल्फ टॉट थी, वो खुद से सीखी थी, उन्होंने अपनी फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। सिमिलरली कैलाश भाषणी देवी जो है वो महिलाओं के बारे में लिखती है। ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई महिलाओं के दुख के बारे में, स्पेशली विडोज के बारे में लिखती है। महिलाएं बताती कि उनके जीवन में खुशियां कम है और बहुत सारी खुशियां प्रिंट से मिल रही थी। रीजनल लैंग्वेजेस में मटेरियल बहुत पहले से प्रिंट हो रहा था। हिंदी में सीरियस प्रिंटिंग 1870 से स्टार्ट होती है, और हमें देखने को मिलता है कि सारा प्रिंटेड मटेरियल विमेन के बारे में बहुत कुछ लिखता था, उनके एडुकेशन के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में, विडोहुड के बारे में, और नेशनल मूवमेंट के बारे में। रीजनल लेवल पे भी आप देखोगे तो पंजाब में जैसे खालसा ट्रैक सोसाइटी थी, रामचड्डा ने अपनी बुक लिखी स्त्री धर्म विचार। आप देखेंगे बंगाल में जो बटाला पब्लिकेशन था, तो कोर कॉन्टेंट ये रहता था कि महिलाओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। अगले टॉपिक में आपको प्रिंट और पुअर पीपल के बीच का रिलेशन समझ में आता है। गरीब व्यक्ति सस्ती किताबें खरीदता था, और जो अमीर लोग होते थे वो प्रेस्टीज एक्वायर करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज भी एस्टैब्लिश कर देते थे। गरीब व्यक्ति के लिए प्रिंट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा जाता था बढ़ चढ़ के। जैसे आप देखते हैं तो ज्योतिबा फुले 1871 में अपनी बुक लिखते हैं गुलामगिरी, साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स कास्ट रिफॉर्म के बारे में खुल के लिखते हैं। वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज में बहुत ओवरवर्क थे, तो वो अपने बारे में कब तो लिखते और कब तो पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आप देखेंगे काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल एक किताब लिखी, जो कि कानपुर मिल वर्कर थे। सिमिलरली वैसे ही एक मिल वर्कर ने क्या है कि सच्ची कविताएं लिखी अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र। बहुत सारे वर्कर्स अपने स्पेयर टाइम में अपने आप को एडुकेट करते थे। लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब चेक करना कि क्या लिखा जा रहा है। तो 1798 के पहले तक सिचुएशन ये थी कि सेंसरशिप सिर्फ इंग्लिशमैन इन इंडिया के लिए थी, जेम्स ऑगस्टस हिकी टाइप के लोगों के लिए जो कंपनी के मिस रूल के अगेंस्ट में लिख दिया करते थे। लेकिन फिर क्या होता है ना, 1857 का जब रिवॉल्ट होता है तो उसमें ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि इंडियन प्रेस को भी कंट्रोल करना पड़ेगी। इसी के लिए 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत ये चेक किया जाएगा कि इंडियन एडिटोरियल्स में क्या लिखा जा रहा है। अगर कुछ सेडिशियस पाया जाएगा तो वार्निंग दी जाएगी, नहीं माने जाएंगे तो पूरी मशीनरी को कॉन्फिसिकेट कर लिया जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने, नेशनलिस्ट लोगों ने खुल के लिखा। दिस वॉज द होल चैप्टर, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच।